Hi guys, this is NK Rao from Genealogy Channel. Don't mug up, try to build a professional analogical study. बात की जाए तो मैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और करंट अफेयर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है जो आपको रेलवे, ELP, RPF के लिए रिक्वायरमेंट है जी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाएं और उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को रिकमेंड करें। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप देख रहे हैं, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज इंजीनियरिंग ड्राइंग का बात करने वाले हैं जी, जिसमें हम लोग लाइंस का कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जी यहाँ पे है और इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, मीडियम थिकनेस लाइन ग्रुप ऑफ 2 mm आर नॉट यूज फॉर। देखिए बोल रहा है कि लाइन जो है 2 mm का नोट किसके लिए यूज नहीं किया जाता है, तो बोल रहा है डायमेंशन लाइन के लिए नहीं यूज किया जाता जी। आउटलाइन जो डॉटेड लाइन है, कटिंग प्लेन लाइन है, वो जो ड्रॉ किया जाता है 2 mm थिकनेस के लाइन्स के द्वारा किया जाता है। तो आपको भी पता है कि आउटलाइंस क्या होता है जी, तो डायमेंशन लाइन होता है और जो कटिंग प्लेन लाइन है ये क्या है जी, कटिंग प्लेन लाइन है, ये सब क्या होता है, थिक लाइन में होता है। तो इसका क्या होता है, 2 mm का थिकनेस होता है। वेयर सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, लीडर लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन आर ड्रॉन यूजिंग 1 mm थिकनेस। तो आपको ही पता है जो जिग जेग लाइन है, शॉर्ट ब्रेक लाइन है, लीडर लाइन है, कंस्ट्रक्शन लाइन है, एक्सटेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन है, सेक्शन लाइन है, जो सेंटर लाइन है, ये जो लाइन है कहाँ से बनती है जी, तो थिन लाइन के द्वारा 1 mm इसका थिकनेस रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा जी, डायमेंशन लाइन क्या हो जाएगा, नोट में पूछ रहा है जी। चलिए अगला क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं जी, आपको यहाँ लिखा हुआ है इनिशियल वर्क एंड कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ यूजिंग पेंसिल। बोला इनिशियल कंस्ट्रक्शन लाइन किससे यूज करते हैं, तो इनिशियल कंस्ट्रक्शन हम एच वाले से करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा जी। देख सकते हैं आप यहाँ से, इनिशियल वर्क और कंस्ट्रक्शन आर ड्रॉन बाई एच पेंसिल। 2H पेंसिल इज यूज फॉर आउटलाइंस, डॉटेड लाइन, डायमेंशन लाइन, एरो हेड लाइन्स। तो 2H किसके लिए करते हैं जी, तो आउटलाइंस, डॉटेड लाइन, डायमेंशन लाइन और एरो हेड। और 3H और 4H किसके लिए करते हैं, तो सेंट्रल लाइन और सेक्शन लाइन के लिए करते हैं। किसके लिए, सेंट्रल लाइन और सेक्शन लाइन के लिए। अब वो भी पता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में H का मतलब होता है हार्ड, B का मतलब होता है ब्लैक। तो B का मतलब क्या होता है जी, ब्लैक। तो H का मतलब जो भी सीरीज आज H है मतलब हार्ड है, B का मतलब ब्लैक है। HB में बात की जाए तो क्या है जी, एच का मतलब यहाँ पे हार्ड है, बी का मतलब बोल्ड भी है जी। और एफ जो आता है, एफ का मतलब फर्म होता है, एक एफ भी सीरीज का आपको मिडिल जो आपको 3 तरह की है, हार्ड है, ब्लैक है और मिडिल रेंज में जो आता है तो उसको क्या बोलते हैं जी, फर्म आता है उसमें, तो उसको एफ से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग फर्म बोलते हैं जी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ये लाइन कौन सी लाइन है, तो ये जिगजैग लाइन है। कौन सी लाइन है जी, जिगजैग, इसको लॉन्ग ब्रेक लाइन भी बोलते हैं, लॉन्ग ब्रेक लाइन है। तो ये क्या हो जाएगा जी, आंसर 4 हो जाएगा। अगर शॉर्ट ब्रेक लाइन रहता तो कैसे रहता है, ऐसे रहता, वो अपने आप फ्री हैंड रहता है, उसको शॉर्ट ब्रेक बोलते हैं जी। और जो जिग जाएगा उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग ब्रेक लाइन बोलते हैं। तो क्या मेरा, लॉन्ग ब्रेक लाइन है। ऐसे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन सब लिखा हुआ है जी अच्छे से, आप उसको सही से पढ़िए सारे एक्सप्लेनेशन। आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, तो डोंट मग अप, ट्राई टू लर्न दोज पॉइंट्स विच आर रियली नेसेसरी। डोंट मग अप एक्स्ट्रा अननेसेसरी थिंग डेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम्स। आपको भी पता है कि DRDO के भी कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को मैं अपलोड करूँगा, ठीक है जी। अब जी देखिए, तो लॉन्ग ब्रेक लाइन है, इसमें ए आपको हो गया लॉन्ग ब्रेक लाइन आंसर। लाइन यूज टू प्रेजेंट कटिंग प्लेन चेन थिन नैरो और थिक वाइड एट द एंड। बोल रहा है कि जो आपको चेन थिन होता है और उसके क्या होता है, किनारे पर क्या होता है जी, थिक होता है, ठीक है ना, एट द एंड चेंज पोजिशन। उसके लिए क्या यूज करते हैं जी, तो हम उसको यूज करते हैं चेंजिंग पोजिशन के लिए और सेंट्रोइडल लाइन के लिए, सेंट्रोइडल लाइन के लिए यूज करते हैं जी। आउटर लाइन ऑफ एडजेसेंट पार्ट ऑफ चेन थिन डबल डैश लाइन और लॉन्ग डैश डबल डॉटेड लाइन। और आउटर आउटलाइंस के लिए क्या यूज करते हैं जी, तो बोल रहा है कि चेन थिन डबल डैश रहेगा और लॉन्ग डैश या डबल डॉटेड नैरो रहेगा, तो इसके लिए आउटलाइंस के लिए यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाइन गिव्स बिलो इज यूज फॉर। ये जो लाइन है किसके लिए यूज किया जाता है, देखिए तो ये क्या है जी, आपको एक डार्क है, एक फिर से डॉट है, एक देखिए इसकी mm आपको 10 से 12 mm हो सकती है, इसकी
उसके बाद 1 mm गैप रहता है, उसके बाद 2 mm का रहता है जी डॉट, उसके बाद जाती है फिर से 8 से 10 mm का रहेगा, फिर से उसके बाद देखिए ये बोल्ड था, एंड पे क्या है जी बोल्ड है और मिडिल में क्या है जी थिन है, तो इसको बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन। क्या बोलते हैं जी? कटिंग प्लेन लाइन। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा जी? तो बी हो जाएगा आंसर। चलिए जी इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। हिडन आउट लाइन, हिडन आउट लाइन्स, हिडन एज आर ड्रॉन यूजिंग द डैश थिन नैरो लाइन्स। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से अगर यहाँ तक हमको देता केवल थिन वाला, तो ये क्या होता जी? हिडन आउटर लाइन। नहीं जी, अगर मान लीजिए डॉट 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 बराबर, ये भी बराबर रहता है, ये भी बराबर रहता, तो क्या होता है? हिडन लाइन होता है। ठीक है ना, या हिडन एज के लिए ड्रॉ करते हैं जी, क्या डैश 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 रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो भी थिन रहेगा तो क्या बोलेंगे जी? डैश थिन हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे जी? हिडन लाइन बोलेंगे। और डायमेंशन लाइन आर ड्रॉन यूजिंग द कंटिन्यूअस थिन लाइन, अगर कंटिन्यूअस थिन लाइन रहता है तो डायमेंशन लाइन बोलेंगे उसको जी। वो स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। गिवन टाइप ऑफ लाइन इज क्वेश्चन इज रिप्रेजेंटेड कटिंग प्लेन, और ये जो है इसको क्या करता है? किसी प्लेन को काटना रहेगा, जैसे आपको पता होगा जो बढ़ई लोग यूज करते हैं जी, तो लोग क्या करते हैं इसी को, आप लोग किनारे पर लोग ज्यादा डार्क करते हैं, आप देखिएगा, तो उसको क्या करते हैं? काटने के लिए यूज करते हैं जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है डैश थिक वाइड लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाई, जो डैश थिक वाइड लाइन इज प्रेजेंटेड बाई, देखिए यहाँ पर डैश थिक है ये लाइन, देखिए डैश चाहिए थिक चाहिए जी, तो डैश तो इसमें है नहीं, तो कंटिन्यूअस थिक है जी, ये क्या है? डैश थिक ये लाइन है, ये डैश थिन लाइन है, ये क्या है? चेन डैश लाइन है जी। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? डैश थिक लाइन। तो यहाँ आप देख सकते हैं जी, ये हमारा थिक लाइन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं जी। बोला है अदर लाइन आर कंटिन्यूअस थिन नैरो स्ट्रेट और कर्व भी चार। देखिए अगर कोई ऐसा लाइन है जो कंटिन्यूअस है, थिन मतलब नैरो हो जाएगा जी, स्ट्रेट और कर्व है, तो उसको क्या चीज़ के लिए यूज करते हैं जी? तो ग्रिड और डायमेंशन के लिए यूज करते हैं। अगर डैश थिन लाइन है, अगर डैश डैश देखिए जैसे डैश है जी, ये क्या है? थिन लाइन है, तो इस लाइन को हम लोग हिडन लाइन के लिए यूज करते हैं जी, या ऐसा छुपा हुआ जो लाइन होता है उस लाइन के लिए यूज करते हैं जी, जो क्या है हमें दिखाई नहीं देता है। ये चेन थिन लॉन्ग डैश लाइन, देखिए जी ये चेन थिन लॉन्ग डैश लाइन, यहाँ पर देख सकते हैं आप जो बी वाला है वो है, इसमें बोल रहा है डॉटेड है, डॉटेड जो है नैरो है, तो लाइन किसके लिए यूज करते हैं? तो सेंटर लाइन के लिए यूज करते हैं, या लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए यूज करते हैं। इसको किसको करते हैं जी? देखिए इसमें डैश भी है, फिर से क्या है जी? डॉट है। ये क्या है? एक दूसरे से चेन में लगा हुआ है, तो वही बोल रहा है चेन थिन है जी, और ये थिन भी है, तो क्या हो जाएगा? सिमेट्री लाइन होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी अगर मान लीजिए एक साइड में, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? सिमेट्री दिखेगा ना, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं जी आपको ये वाली लाइन, तो हमको दिखेगा कि ये सिमेट्री है जी। ऐसे यहाँ पे इसमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? सिमेट्री होगा ना, लेफ्ट भी राइट भी सिमेट्री है, तो वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए इसमें मैचिंग करना है, आप लोग मैचिंग कीजिएगा बहुत ध्यान से जी, उसके बाद आंसर देखिएगा। इसका मैं आंसर बता दूं तो आंसर आपको बी है जी इसका, ठीक है? तो बी आप देख सकते हैं आंसर है। देखिए बात कीजिए ये जिगजग लाइन है, तो जिगजग लाइन को क्या बोलते हैं? लॉन्ग ब्रेक लाइन बोलते हैं जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का टू हो जाएगा जी। फर्स्ट का क्या हो जाएगा जी? टू हो जाएगा। और थर्ड का देखिएगा, सेकेंड का देखिए जी, ये क्या है आपको? ठीक है, और क्या है जी? डैश लाइन है। तो ठीक है डैश लाइन है, तो इसका मतलब क्या है जी? इस सेकंड का देखिए थर्ड बता रहा है लाइन सो सरफेस ट्रीटमेंट, यानी एक ऐसा सरफेस है जिसको कोई ट्रीटमेंट करना है जी, उस पर कुछ ना कुछ काम करना है, उसके लिए यूज करेंगे जी। ये देखिए जी कंटिन्यूअस थिन लाइन है, तो कंटिन्यूअस थिन लाइन को किसके लिए यूज करते हैं जी? डायमेंशन लाइन के लिए, एक्सटेंशन लाइन के लिए करते हैं, तो थ्री का क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। ये क्या है जी? ठीक है, एंड पे थिन ठीक है, और बीच में क्या है जी? थिन है, और ये डैश डॉट चेन है जी। तो डैश डॉट चेन है, तो क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा कटिंग करने के लिए यूज होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा, फोर का फोर हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं आप लोग, यही लिखा हुआ है ये एक्सप्लेनेशन में, वही लिखा है जो मैंने बताया जी। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, और इसको मैचिंग करिए जी। तो आंसर इसका मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बी है जी। आप लोग मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग आंसर मिलेगा जी। देखिए अगर बात की जाए तो ये क्या है जी? चेन थिन ठीक है जी, डॉट भी है, डॉट है और डैश क्या है जी? चेन है इसमें।
तो ई कौन सा लाइन हो जाएगा? देखिए बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं कि थिक है और थिन है, तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्री है, ऐसी कटिंग करेगा तो कटिंग प्लेन है, यानी थर्ड किस में जाएगा जी? फोर्थ में जाएगा, ये बात पक्का हो गया। ये क्या है जी? कंटिन्यूअस लाइन है, वो भी थिन है, तो डायमेंशन लाइन या एक्सटेंशन लाइन हो जाएगा, तो फोर का फर्स्ट हो गया। अब आते हैं ये क्या है जी? थिक है, डॉट है, तो क्या हो जाएगा? स्पेशल ट्रीटमेंट होगा सर्फेस का, स्पेशल ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? सेकेंड का थर्ड हो जाएगा जी। अब बच गया फर्स्ट, फर्स्ट का क्या है जी? बोला है इंडिकेशन ऑफ सरफेस फॉर स्पेशल रिक्वायरमेंट, जो सरफेस है उसको स्पेशल रिक्वायरमेंट की जरूरत है जी। क्या है जी? देखिए यहाँ पे चेन ये थिक है, चेन डॉट डैट क्या जी? चेन ये डैश है, ये क्या है जी? डॉट है, ये क्या है जी? चेन में है, तो ये क्या हो जाएगा? स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। अगर इसी को बात की जाए, देखिए यहाँ पे आपको डैश है, देखिए यहाँ पे क्या है जी? डैश है, डॉट है, चेन है, तो ये जो लाइन थी, ये जो लाइन है किसके लिए यूज होती है? ये जो लाइन है किसके लिए यूज होती है जी? तो यहाँ पे देख सकते हैं बोला है ये चेन थिन लॉन्ग डैश डॉटेड लाइन इज यूज फॉर सेंटर लाइन, ये किसके लिए होता है जी? सेंटर लाइन और सिमेट्री के लिए होता है। अगर यहाँ पे थिन है तो, अगर थिक रहेगा तो क्या हो जाएगा जी? वही लाइन आपको क्या हो जाएगा? वही लाइन आपको स्पेशल क्या हो जाएगा जी? रिक्वायरमेंट के लिए इंडिकेट किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं जी, सेकंड नंबर, यानी सेकंड नंबर का मतलब क्या है जी? थर्ड। सेकंड का क्या है जी? थर्ड है, और फर्स्ट का क्या है जी? सेकंड है। तो ये जो हमारा थिक हो गया है, ये क्या हो जाएगा? सरफेस के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसे दिया है। तो आप जी, मैं बता दे रहा हूँ कि ये 10 ही जो है लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करें, और मैं मुझे भी ऐसा है कि आप एक से दो बार देखिएगा, जो आपको याद हो रहा है पहले उसको याद कर लीजिए, जो नहीं याद हो रहा है उसको बार बार देखिए, और आपको जरूर ही याद हो जाएगा जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। ड्राइंग पेंसिल आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन रिलेटिव, देखिए बोल रहा है कि जो पेंसिल में जो इन एथी होता है, ग्रेड होता है, ग्रेड के हिसाब से पेंसिल बांटते हैं जी। एक ब्लैक ग्रेड का होता है, क्या होता है? सॉफ्ट ग्रेड का होता है, एक मीडियम ग्रेड का होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो किसके बेसिस पे हम पेंसिल को करते हैं? तो हार्डनेस के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? ग्रेडनेस करते हैं जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वही है। देखिए यहाँ पे ये जो है आपको एच जो है ग्रेड, हार्ड ग्रेड का पेंसिल है। सबसे हार्ड ग्रेड का पेंसिल क्या होता है जी? 9H, 8H, 7H, 6, 5 और 4 क्या होता है जी? 4 तक क्या होता है? 9 से लेकर 4 तक क्या होता है? हार्ड ग्रेड में आता है। और बात की जाए 3H, 2H, H, HB, F, ये क्या है जी? तो आपको फॉर्म है, क्या है जी? मीडियम ग्रेड की पेंसिल है, ठीक है जी। और उधर से देखिएगा 7B, 6B, 5B, 4, 3 और 2B, तो ये क्या है? सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल है। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ पर जाएं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे आपको चैप्टर पढ़ाए गए हैं जी, आप वहाँ पर जाकर पढ़ें। क्वेश्चन जो कराए गए हैं उसको भी करें, आप फील करेंगे कि आप कंपटीशन वाले क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे मार्केट में ऐसे बुक है जो थ्योरी पढ़ाते हैं, थ्योरी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है ज़्यादा, थ्योरी हमको उतना ही चाहिए जिससे हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सके जी। तो ज़्यादा बुक ही मत होकी है, ज़्यादा कंसेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये डायमेंशन लाइन कौन सा होता है जी? एक्सटेंशन लाइन कौन सा होता है? मार्जिन लाइन, आउट लाइन। देखिए डायमेंशन लाइन कैसा होता है? थिक और थिन में होता है, थिक और थिन, कंटिन्यूअस रहेगा और थिन रहेगा, कंटिन्यूअस थिन है, अच्छा कंटिन्यूअस थिन दो बार है जी, और कंटिन्यूअस थिक भी दो बार है। तो इसका मतलब हमको क्या है जी? पहले तो हमको पता कर लेना है कि कंटिन्यूअस थिक लाइन में आपको आउट लाइन हो जाएगा जी, और कंटिन्यूअस थिन लाइन में डायमेंशन लाइन हो जाएगा। अच्छा एक्सटेंशन लाइन है, प्रोजेक्शन लाइन है, मार्जिन लाइन। एक्सटेंशन और प्रोजेक्शन लाइन क्या होता है जी? कंटिन्यूअस क्या होता है? ये थिक लाइन होता है। और मार्जिन लाइन क्या होता है जी? नहीं, मार्जिन लाइन आपको थिक होता है, और एक्सटेंशन लाइन क्या होता है जी? प्रोजेक्शन लाइन थिन लाइन होता है। तो यहां से हम देख सकते हैं जी, देखिए थिन के लिए इसमें क्या बताया गया जी? इसका आंसर आप देख सकते हैं सी दिया गया। सी का मतलब क्या है जी? फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट। देखिए जी, तो पहला का क्या है? पहला का क्या है जी? इससे अच्छा है कि रुकिए पहले थिक वाला देख लेते हैं जी। कंटिन्यूअस थिक में किस पहला में है, और कंटिन्यूअस थिक तीन में है, यानी पहला और तीसरा कौन सा आंसर है ये देख लेते हैं। इससे क्या होगा, हमको आसानी से याद रहेगा। देखिए पहला और तीसरा आंसर किस में है जी? पहला और
तीसरा किसमें है? चौथा और तीसरा में, चौथा और तीसरा में क्या है जी? चौथा और तीसरा में देख सकते हैं, चौथा। सॉरी फॉर द डिले। देखिए एक्चुअली क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था इसलिए क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रहा था। चलिए यहाँ पे देखिए, जो मार्जिन लाइन है और जो आउट लाइन है वो क्या हो जाएगी? थिक लाइन होगा। क्या हो जाएगा? थिक लाइन होगा। अब थिक लाइन अब वन मिले या थर्ड मिले अब तो बात वही है। और बात की जाए एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन, तो क्या होता है? थिन लाइन होता है। तो ये क्या होता है? दोनों फर्स्ट दोनों क्या होता है? थिन होता है। लास्ट दोनों क्या होता है? थिक होता है। बस आंसर मिला लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। वही सब लिखा हुआ है, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो डायमेंशन लाइन क्या होता है जी? थिन लाइन होता है, देख लीजिए। और टर्मिनेटेड आर टर्मिनेटेड एट द आउटर एंड ऑफ द पॉइंटेड एरो हेड, ये है। शॉर्ट ब्रेक लाइन की बात कीजिए, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है शॉर्ट ब्रेक लाइन आर ड्रॉन फ्री हैंड व्हाइल द लॉन्ग ब्रेक आर रूल्ड लाइन। क्या है जी? रूल्ड लाइन। तो ट्रू है कि फॉल्स है? तो क्या है जी? ट्रू है। शॉर्ट ब्रेक जो लाइन होता है फ्री हैंड लाइन होता है, ऐसे आप ड्रॉ करते हैं। और लॉन्ग ब्रेक आप जिगजैग लाइन देखे रहेंगे, तो लाइन क्या है जी? ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक लाइन आर रूल्ड लाइन। वहीं जिगजैग लाइन को क्या बोलते हैं? रूल्ड लाइन बोलते हैं। तो क्या है जी? ट्रू है। लॉन्ग ब्रेक लाइन आर रूल्ड विथ शॉर्ट जिगजैग लाइन विथ देम, ठीक है जी? यहाँ आप देख सकते हैं जी। और इस क्या है जी? शॉर्ट ब्रेक लाइन क्या होता है? इरेगुलर बाउंड्री के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं फ्री हैंड। चलिए आप यहाँ से देख सकते हैं जी। तो हम लोग ये क्वेश्चन हो गया, आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। एंजॉय योर लाइफ।